रामदेव जी महाराज री सासू एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो, बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गया कि मारो जो पावनो है वो अवतारी। अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तो भीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई चल नहीं पाई और बारा दीदी वापस लौट गई तो फिर क्या वेला। लेकिन रामदेव जी महाराज रे ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो भरे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं, जो सामान्य आदमी नहीं, ये तो अवतारी है। अरे थे दो तोरणिये आए ने उबावो रे जा एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिये ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा चंपेली बैरा पींदिरा जा बन जा ये तो तोरणिये अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा रे जाके तो तोरणी बलियुबा अरे रे जाके तो तोरणी बलियुबा ओ केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे अरे रे जाते तो तोरणी बलियुबा हो केसरिया चढ़ोनी वो नवल बसे रे जा थोरे माता रो दुमालो रे जा थोरे माता रो दुमालो ये देखे ने जिदड़ो हो रो रे ते देखे ने जिदड़ो हो रो केसरिया सदोनियो नवल बसेरी रे जा थारे माता रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती अरे रे जा थारे कोनो रागज मोती रे जा थोरे कोनो रागज मोती एमे तो आड़िए गुंगती ज्योति हो के सरिया ढोनी वो नवल मैं तो आडोरे घूंगटी ज्योतियो केसरिया सडोनियो नवल बसेरी चमरी में सहेलिया गावे अरे पेलो फेरो पिरियो नेतल बाबू सारी लागली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लागली अरे पेलो फेरो पेलो फेरो बाबू सारी लाडली पेलो फेरो फरियो नेतल बाबू सारी लाडली अरे दूजो फेरो माता जी री दीदरी दूजो फेरो माता जी री दीदरी अरे तीजो फेरो काका री भतीजी
फेरो चीजो फेरो काकारी भती। अरे चौथे तेरे नेतल बाई हो यारे परारा, चौथे फेरे नेतल बाई हो गया रे पराया। चमरी में उतरने रे बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे, फिर पिता को, फिर माँ को, काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते। अरे सेवरियों दान बैरा फिरो सा तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। सेवरिया दान बैरा भाई जियो देवे, आई रे धरमियारी मेरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो तेरे, आई रे धरम री देरा मोरा। अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो देवे, आई रे धरमियारी रेरा तोरा। अरे हाथा राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमरी हाथो राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा पूरा। अरे सोना रो तंदोरो बैरा मामो सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा पूरा। ये सोना रो तंदोरो बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमियारी तेरा तोरा। अरे सावारी बिछुड़िया बैरा मामी सा तो देवे, आई रे धरमरी बेरा तोरा। हाथों वाला गजरा बैरा मामी जी तो देवे, आई रे धरमियारी बेरा तोरा। अरे दोनी साबाई ने दाली जोरे मारी नेतल बाई सासरिये रोजा। ये दोनी बाबो जी भाई ने दाली सो मोरा नेतल बाईयो पाला जा। दोनी बाबो साबाई ने दाली जोरो मारी नेतल बाई पाला। अरे दोनी बाबो सा भाई ने दाई सो मोरा ने तल भाईयो पाला। अरे मोरियो ए माया तो बाबो सादी लाडक चाली सास रे बोरा आज मो। अरे मोरियो ए माया बाबो सारी लाडक बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आउला चिंता ना कर। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे बोरा ओ। अरे मोरियो ए माया तो माता जी दी भिवड़ी चाली सास रे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। सोना रो बाजोटियो ने मोती रो सोजड़ियो। अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे। अरे सोना रो बाजोटियो ने
नाली के सामने। अरे अजमल जी सरी का तारा, अरे सापे नारी साया सो पट खेलो ला दे बाजोटे तेरा। अरे चंपे नारी छाया चौपट खेलो अरे बाजोटे बेटा बनाने हो गटे रमाओ। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेटा। अरे भी गुड़ी गूटी खिलाऊ ओला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। अरे मेणा दे सरी खा तारा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे मेणा दे सरी का तोरा माता बोला डेलड़ा अन बाजो के बेरा। अरे सुगना भाई सरी खा तारा बेना बोला डेलड़ा अन बाजो के पुकार। अरे सुगनो भाई सरी का तोरा बेलो होला डेलड़ा तले बाजोटे बेरा। अरे बीरम दे सरी खा तारा बीरा होला डेलड़ा अन बाजोटे बेरा। बाजोटे बाजोटे बेरा। अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी, हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी। आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा, दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने। दुनिया महाने मोसा बोले एकता बद दे कारने। बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मूंजी। और एक टाबरियो मने देवे, एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला, नहीं सुनेला विघ्न करूला, थारी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला। लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो, पाछो घर ना जाओ, बहुत देर हो गई। भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है। अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखे तो भगवान री मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी।
और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी, अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी ने लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी ने लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर पुजारी जी दाड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, ओ पुजारी बता दे कठे बार का रोना, तुम्हें तो दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुरों ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार बुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जासी। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे, भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुने हो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग उगेला, बरस 61 वो नास
बिचमन थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकू पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया घर रो सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश हो गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखे हुए खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खम्मा 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 हो कवरी जी मानरा खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम सा अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी चांदनी अजमल घर अवतार लियो कुकू पगला मांड सांवरियो पालनिए में पौड़ी गयो कुकू पगला मांड सांवरियो पालनिए में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिए सगला अजर जी भरी लादा बालिका नात्री का नाथरी लीला देखी
परचो, पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंकालाई मेणा के शंकालाई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया री शंका ने दी दूध उफण तो लियो तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम का घनी घनी खम्मा राजा राम सा धीरे धीरे समय जो चक्र चलतो रहो। अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सु बीरमदे जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया माता मैणा देरो लाड माता मैणा देरो स्नेह मिल रियो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री इन करतूतरों पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है। कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जार देवे तो वो बरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे। गांवरे लोगों की मजबूरी थी और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान आ चटने करू रे माने कहो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा Bye.
मंगवा, ओ मां मन घोड़ लियो मंगवा। बोली शिव जमल गर्भतार की, अपनी मां मेणा देसु हट पकड़। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ो मांगियो, मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो, रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो, रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़क ले आयो, झूठ बोलियो, कर्री चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो, लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो, तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे, माता मैणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राजकार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अठिन जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा, कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में राखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो डागरे ने कनिया जन्मिए, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विधाता। दल जी के दो पुत्र भए कन्या एक ही सुजा, अवतार सूजर लिखो विधाता। प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में, तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है, बहु बहु रो संबंध है, और आप यदि कर सको, यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन की बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो कौन सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोणीचा गांवरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारेल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया, जार
माता मेणा दे जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मेणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मेणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1,25,000 री मोहरा दे। और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जा बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मेणा दे जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब कहड़ा के मैं देखनी चाहू कुंवर साहब रो। माता मेणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहू तो माता मेणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयों में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण की ओडा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे। जार मेणा दे जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोकरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मेणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो। बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकू, ये वास्ते तू कहवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मेणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कहीं बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तब माता मेणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोले बेटा हरे लाछा तो आई बेटा कुमारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा कुमारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो। लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी आवो दियो। खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा रूणी चिरा राजा है लो सांबड़ो अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो, और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो, चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में वीरमदेव जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो। बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी रे आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पांव मंडिया, घर रो सारो पानी दूध बन गयो, चारों तरफ रोशनी हुई, आकाश गर्जना हुई, और भगवान अजमल जी रे जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है
खम्मा 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 हो कवरी अजी मालरा खाने तो पूजे राज स्थान जियो गुजराती जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साफी हो गणी गणी खम्मा राजा राम साफी रे अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजे जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकु पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरजी भरी लादा बालिका नात्री लीला देखी राजस्थान जियो गुजराती जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ओ गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ले ओ पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुरा पगला मंडाया और दूजो परचो माता मैणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई दो दो बाण की देख पालनिए मेणा दे शंका लाई ओ कई जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कई जादू हो जो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैयारी शंका ने मेटी दूध उफण तो लियो
तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो, पूजी रात जियो। ओ खम्मा घणी घणी खम्मा राजा राम का, घणी घणी खम्मा राजा राम सा हो, घणी घणी खम्मा राजा राम सा। धीरे धीरे सबे जो चक्र चलतो रहो। अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सु, बीरम देव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया। माता मैणा तेरो लाड, माता मैणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो। दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है। कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जा दे तो वो बरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे। गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान। आज चटने करूं रे सवारी, माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां, मन घोड़ लियो मंगवा। अपनी मां मैणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो
मामेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो, रूपो दर्जी चोरी कर दी। बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो, रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो, झूठ बोलियो, कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो। बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई, और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्यावरी कामना करे। माता मैणा देरे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो, कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो, ब्यावरी बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राजकार्य राजरे काम में ऊंचा नहीं आओ, घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता, दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी, नाम तो नेतल। अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई, उसी प्रकार दलजी सोडारे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है, बोटियार हो गई है, जवान हो गई है, कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो, अपनी बेटी री सगाई करनी है, थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सोडा घरे ने कनिया जन्मिए, हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता। दल जी के दो पुत्र भये, कन्या एक सुजा, अवतार सूजर लिखो विदाता। प्राणपति अर्जी सुनो, नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है, रामदेव जी बारे साथ में तो मारो बहु बहु रो रिश्तो है, बहु बहु रो संबंध है, और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन की बात। प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा, अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया, ब्राह्मण देवता ने बुलाए, सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी। बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है, अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव, अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है, आप उस नारेल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया जार। माता मैणा देव जी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सो आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो लेर आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयोड़े नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हो, और 1,25,000 री मोहरा दे, और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली,
रामदेव जी महाराज रे ब्याव नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मैणा देव जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तुम्हार वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तो माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया, बोले बेटा हरे लाछा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ, लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई। अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई। मादी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो, खम्मा 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 रे कवरे अजी मावरा। रामदेव जी महाराज री दो बहना थी। मैं आपने पहले निवेदन कियो कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी री दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगनाबाई ने 12 साल तक सुगनाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगनाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता थका, आंखों में आंसू डा ढलकावे, बोली बीरा हा सुगना
कह तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह और जी नेड़ों में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगना बाई उदास उठी ने मां उदास तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो बाबा रामदेव जी महाराज रे खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को रामदेव जी महाराज रत्न ने बुलाए रत्नो हाजिर हो गए बोले बाबा हुक्म कराओ बोले कि हुक्म नहीं पोंगलगढ़ जानो है रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्नो राय को वह मरियल सी सांड ले जब पोंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पोंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला अब रत्नो राय को थो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो पुराने जमाने में कई सिस्टम था रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगो में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो रत्ना ने ही सारी बातों को कोई पतो नहीं रत्नो जो ही पोंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो सामने सुगना भाई पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई बोले आग कौन है थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो कौन है थारो नाम का ही है रत्नो बोले कि हो तो मु रत्नो कठू आयो बोले कि रामदेव रासू मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो बोले कि चुप खबरदार है और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे खेतड़ी रे माई जियो घेरोला खेतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो पवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कवरी